Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. जी नाजरीन प्रोग्राम आखिर छाकर के साथ गुँ तो मेज़बान अली रजा मंगी तुम आरो हाजिर आया। नाजरीन जिक्र क्यों पा तो कोरोना वायरस की सूरत हाल ढो ढी खराब थी वे पी सदे मुल्क में 73,000 का केस अज तक इनसे रिपोर्ट थी चुका है, जैमें 42 का 43,000 का केस एक्टिव केस हैं। जैसे त सिंध की जैसे पा गाल क्यों तो अजोके एकड़े डी में ही 1,402 केस रिपोर्ट क्या वह कौमी राबता कमेटी जो इजलास है। वज़ीर आज़म मीडिया के ब्रीफिंग डिनी है। अज कौमी राबता कमेटी के इजलास में लॉकडाउन समेत वबा के मोह दियण मईशत के बेहतर करण के हवाले से मुख्तलिफ फैसला क्या वह सारी सूरत हाल से गाल बोल कंदासी। इस्लामाबाद में आवाज न्यूज रिपोर्टर माशूक डे तो लाइन से मौजूद है। माशूक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशूक कड़ा फैसला क्या वह जरियन जो चवण है कड़ी सुध पई है कड़ा कड़ा फैसला क्या वह लॉकडाउन के हवाले से जो लॉकडाउन में नरमी कई वही एक तो सो पे हुकूमत के या सूबाई हुकूमत के मुश्किल अची रही हुई तो सुप्रीम कोर्ट तरफ फैसलो बुधा वो हो 31 मई तीन लॉकडाउन में नरमी कई वे मार्केट खोली वन इन करो सो हुकूमतू उन न पे गाले सकूँ पर कौमी राबता कमेटी के खिलाफ जो है वही सतह तक फैसला किया वन एक तो सो मास्क लाजमी करा दिनों वो है छो तो माहरीन जो चवण हो तो लॉकडाउन में नरमी बिल्कुल कई वे पर मास्क जो जरूरी है तो उन मास्क एहतियाती तदाबीर जिथे मैंने वो कर वे 188 लगाए हुआ है। 188 के तहत जो सो कें भी मानू उत जुर्मानो लगे तो इन करवाम तुम तो ईद के दौरान मार्केटों में टीहों ढी कें जफीर हुआ पार्क्स बंद हुआ पर मू बहर जमा हुआ इन करो सो सूबन का जे सिफारिशू आयू जे चार ही बुजुर्ग आला वीडियो लिंक से मौजूद हुआ वफाक हुकूमत में उन तहत वफाक हुकूमत फैसला कर मजबूर की है तो जे मार्केटू हैं छंछर आचर से बंद होंदू वो मार्केटू न खोलिय वेंदू पे तो वजीर अजम इमरान खान अज पैं किताब में चई चुको है तो वा वा मुल्क जो सो लॉकडाउन नरमी कई है खुशहाल मुल्क पर लॉकडाउन हम चाइना की मिसाल वजीर अजम ये डींदे तो जो सो चाइना में मुकम्मल लॉकडाउन का ही जो सो कुछ जगह कोरोना केसेस उनमें कमी पेश आई है पर हिस्से बर बीहर चाइना में केस वरी उठी चुका है इन करे माशूक डीओ डी जका सूरत आला है हुआ का बेहतर काने का एक डी में 1,402 केस आज रिपोर्ट थन रिकॉर्ड जको है सो ही केस हैन जके एक डी में सिर्फ सिंध सूबे में रिपोर्ट थिया हैन त इन हवाले सा सूरत हाल त का बेहतर काने का आई इन हवाले सा का खबर पई सकी है सियासी गेम वही थी रही है। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत हेठाओं दिखाने के करे लॉकडाउन हमेशा मुखालफत शुरू ढी का कई है तो लॉकडाउन न थन खे सूबन चाइनी सूबन में मुकम्मल फैसलो चुको उन प्राइम मिनिस्टर यो चई रो तो लॉकडाउन न थन खे प्राइम मिनिस्टर की नजर में मुख्य लगे तो इस्लामाबाद से आए पाकिस्तान आए तो उन इस्लामाबाद में लॉकडाउन न बाकी लॉकडाउन उन प्राइम मिनिस्टर भी लॉकडाउन अनाउंस कर अज भी तो बीहर जो लॉकडाउन नरमी गरीब गुरबो जो सो परेशान थे तो भाई इंसान की जो जिंदगी माहरीन जो चवण है तो सब का बेहतर है इन कर लॉकडाउन समाजी फासिलो मानुन के घर में महदूद रखने अलावा भी उनको इलाज ही को तो इन करो वफाकी हुकूमत अज भी बीहर जो एक दफो लॉकडाउन चढ़ रही है छंछराचर मार्केट बंद कर रही है वरत यो भी चई रहा है गरीब मानू परेशान थे तो वफाकी हुकूमत पा लगे तो मुंझारे की शिकार है हालांकि वफाकी हुकूमत माहरीन जो डॉक्टर की टीम में या डॉक्टर जफर मिर्जा जो एडवाइजर है हेल्थ के मामलों जो वो कई बार चई चुको है तो लॉकडाउन थियन खे पर वजीर आजम की पैं एक पॉलिसी है वजीर आजम हमेशा यो है तो जो गरीब मानू लॉकडाउन से मुतासर थे तो इन कर लॉकडाउन घो न कर वो अज भी जो सो लॉकडाउन में तो ये तो 5 बजे तक दुकानों बंद थी छंछर आचर मार्केटू बंद रहूँ सिंध हुकूमत की जैसे गाल अब रिकॉर्ड केस जो थे टेस्टिंग जो अमल तमाम स्लो है टेस्टिंग जो अमल जी वे तो ये केस तीन जाहिर थन पर हाँ अला पनारे जे मू जिंदगी कोरोना के हवाले से हारे चुका है कुछ डॉक्टर्स नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ जी जिंदगी हारियन तो उन हवाले से सोशल मीडिया से वीडियोज वायरल थी उनको आम मानू में भी अच्छा अच्छा माशूक अजोके अजोकी मीडिया ब्रीफिंग हुई वजीर आजम है त अरिड़ी तरमीम का सूबा खुद मुख्तियार तो सामान है जो हिफाजती किट्स हिफाजती सामान है या टेस्टिंग जो सामान है तो लॉकडाउन से गड़ो गड़ बया कड़ा फैसला क्या वह अजोके इजलास में
ॾिसो अॼोके इजलास में फ़ैसिलो कयो आहे त NDMA खे प्रॉपर चयो आहे त जेके पैरामेडिकल स्टाफ जूं अक्सर शिकायतूं अञा ताईं यंग डॉक्टर्स यंग ऐं जेके नर्सिस एसोसिएशन पैरामेडिकल स्टाफ जे जेके डॉक्टर उन्हनि जो हमेशह जेको शिकायतूं रहियूं आहिनि त असांखे किट्स मुहैया कोन कयूं आहिनि छो त फ्रंट लाइन ते उहे साम्हूं आहिनि त उन्हनि खे NDMA खे हिदायत कई वई आहे त NDMA हर सूरत हाल में उन्हनि खे किट्स मुहैया कई वञे ऐं ॿियो तरफ़ा जेको आहे सॼो खे कमिश्नर तकिड़े इजलास में फ़ैसिलो कयो आहे त सूबनि खे जेके शिकायतूं आहिनि टे सूबा त असांखे हुकूमत सां गॾु आहिनि पर अक्सर शिकायत टे सूबा न कंदा आहिनि सिर्फ़ु सिंध सूबो शिकायत कंदो आहे त इन करे सिंध सूबे जी जेकी शिकायतूं आहिनि टेस्टिंग अमल हुजे या जेके हुननि खे किट्स न मुहैया कयूं आहिनि उहो कयो वञे कमेटी जे इजलास में अॼु टिडी दिल ते मूंखे ज़रा खे ख़बर पई त उन ते वीचार कयो आहे छो त टिडी दिल खे माण्हू नॉर्मल छो न करोना खां पोइ जेको वॾे वॾो मसलो आहे हुन मुल्क में टिडी दिल जे थियण वारो आहे त मूंखे ज़रा खां इहो ख़बर पई आहे त इहा माना ॻाल्हि ॿोल जेका थी आहे उन ते इहा थी आहे त 10% अञा ताईं आयो आहे टिडी दिल 90% अञा ताईं पोयां आहे त इन खां अलावा करोना जी जेके अॼु राब्ता कमेटी जे फ़ैसिला थियो आहे त करोना जी रोकथाम लाइ जेके मुश्किलातूं हुयूं जेके हाणे ईद जो रमज़ान जो महीनो हो ईद गुज़री हुई उन खां पोइ हाणे क़ौमी राब्ता कमेटी इजलास में फ़ैसिलो कयो आहे त सूबनि खे जेके मुश्किलातूं आहिनि उन्हनि खे NDMA लाॻापियल हुकूमतूं जेके लाॻापियल मिनिस्ट्रियूं आहिनि उहे हुननि सूबनि खे शयूं प्रोवाइड कनि घटि में घटि करोना जे हवाले सां या करोना सां लाॻापियल जेके इशूज़ आहिनि उहे हल थियणु खपनि छो त टेस्टिंग जो अमल हिकिड़े पासे में थियणो आहे त ॿिए पासे जेको वेंटीलेटर्स जी कमी जेको आहे त ज़रा खां ख़बर पई आहे त उहा थी रही आहे हालांकि ज़फ़र मिर्ज़ा त चयो आहे त कोन्हे पर इहा जेको इजलास में डिस्कस थियो आहे त वेंटीलेटर जी कमी वक़्ति हली असांखे पेश थी सघे थी जो तव्हां करोना जी टेस्टिंग खां पोइ जेके तइदाद माण्हू अचनि पिया जॾहिं तइदाद टेस्टिंग पॉज़िटिव अचे थी अक्सर माण्हुनि खे पहिरियां त हॉस्पिटल में शिफ्ट कंदा पर हाणे ॾिसो त अक्सर माण्हुनि खे इहो शिफ्ट कयो वियो आहे त जेके साफ़ सुथरो माहौल आहे जेको अफोर्ड करे सघे थो त उनखे घर में रखो को ग़रीब गुरबो आहे जंहिंखे घर में सहूलियत न आहे अहिड़ी का त उनखे हॉस्पिटल शिफ्ट कयो जेको आशूक अॼोके इजलास में जेको महदूद ट्रेन सर्विस ऑपरेशन आहे उनखे बि बहाल रखण जो जेको आहे उहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे ट्रांसपोर्ट जे हवाले सां या जेके ॿिया शोबा आहिनि मईशत जा उनजे हवाले सां कहिड़ा फ़ैसिला साम्हूं आया आहिनि छाकाणि त वज़ीर आज़म जो इहो बि चवणो त हुनजो ख़्यालु आहे त सियाहत वारो शोबो बि खुलणु घुरिजे त इन हवाले सां मजमूई तौर ते जेका क़ौमी राब्ता कमेटी जी आहे उन में छा तइ कयो वियो ॾिसो मूं तव्हांखे ॿुधायो त वज़ीर आज़म पंहिंजा फ़ैसिला त करे थो वज़ीर आज़म को बि वज़ीर आज़म खे माहिरनि सलाह ॾिनी त इहे सभु शयूं लॉकडाउन सूरत में बंदि थियणु खपनि पर वज़ीर आज़म इन शइ ते जेको आहे सो लॉकडाउन हुन में इजलास में इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वज़ीर आज़म इहा सभिनी खे एडवाइज़ कई त लॉकडाउन घणी थी चुको आहे आम माण्हू जेको आहे मुतासिर थी चुको आहे ट्रांसपोर्ट जेको आहे सो ट्रेनूं जीअं ट्रेनुनि खे थोरे हद ते हलायो अथनि ट्रेनूं मुख़्तसर खोलियूं वञनि ट्रांसपोर्ट खे बि जेको आहे सो हथी ॾिनी वेंदी ऐं ट्रांसपोर्ट खे इंटर डिस्ट्रिक्ट जेको आहे ट्रांसपोर्ट उनखे खोलियो वञे त जीअं आम माण्हू इन खां मुतासिर न थिए सफ़र करे सघे छो त हिकिड़े जेके वज़ीर आज़म चयो आम माण्हू ॾाढो मुतासिर थिए थो पर सिंध सूबे हमेशह जी मुखालफ़त कंदी अॼु बि सिंध सूबे जी मुखालफ़त कई आहे त इन्हनि शयुनि ते मुकमल लॉकडाउन कयो वञे पर वफ़ाक़ तरफ़ां ट्रेन हुजे ट्रांसपोर्ट हुजे ट्रांसपोर्ट इंटरसिटी बैनर सूबा ईंदे पर इंटरसिटी सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट खे जेको आहे सो थी ॾिनी वञे या मार्केटूं जेके आहिनि मार्केट SOPs ते खोलियूं वञनि जेके वॾा हॉल आहिनि जेके पंहिंजो मार्केट जेके माल आहिनि मालनि खे बि जेको आहे सो SOPs तहत जेको आहे सो SOPs तहत खोलियो वञे SOPs खे जेको आहे सो अॼु SOPs खे जेकॾहिं पाण ॾिसूं त गुज़िरियल काफ़ी ॾींहनि खां वठी स्मॉल लॉकडाउन आहे पर SOPs ते अमल न हुजण जे बराबरि हूंदो आहे त इन हवाले सां हुकूमत छा को फ़ैसिलो कयो आहे त SOPs ते अमल दरामद करायो वञे जी बिल्कुलु इन ई ते आउं आयुसि पिए पर उन खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधायो ॾिसो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे त SOPs ते अमल केरु कराईंदो मार्केटुनि में ईद जे दौरान पाण ॾिठो असां माना इस्लामाबाद जहिड़ो शहर जेको आहे सो कैपिटल सिटी आहे दुनिया जे ॿिए नंबर कैपिटल सिटी में इस्लामाबाद मुतारिफ़ थींदो आहे त भई ख़ूबसूरत आहे जेको आहे सो माण्हू ख़्यालु रखनि था हर शइ पर हिते बि तव्हां ॾिसो त SOPs जी का शइ कान्हे का हुकूमत अॼु बि हिते कयो आहे त SOPs खे जो अमल दरामद लाइ टीमूं जोड़ी वेंदियूं ऐं टीमूं मार्केट में वेंदियूं SOPs ते अमल दरामद कराईंदियूं पर टीमूं किथे किथे वेंदियूं तव्हां ॿुधायो त जोही जा असांजे शहर दाबेली शहर जोही में टीम ईंदी का हुते या असांखे ॿुधायो त कश्मीर जे नंढनि शहरनि में जेको आहे टीमूं पहुचंदियूं टीमूं पहुचंदियूं त कराची जे वॾे मार्केट में पहुचंदियूं इस्लामाबाद जी वॾी मार्केट में पहुचंदियूं हैदराबाद जी वॾी मार्केट पहुचंदियूं लाहौर हुजे कोयटा जहिड़े वॾे शहर में इन्हनि पहुचंदियूं पर नंढनि शहरनि खे केरु ॾिसंदो असांजे ॻोठनि खे केरु ॾिसंदो असांजे बहिराणी खे केरु ॾिसंदो इन्हनि ते जेको आहे हुकूमत चई चुकी आहे त असांजी कमेटियूं ध्यानु ॾींदियूं पर ॾाढो ॾुखियो आहे इन्हनि कमेटी शयुनि ते ध्यानु ॾियणु अच्छा माशूक तव्हांजी कंहिं तिबी माहिर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे त हीउ जेको स्मार्ट लॉकडाउन आहे त छा इन वसीले हिन वबा खे मुंहुं ॾेई सघिजे थो हुनखे रोके सघिजे थो जी बिल्कुलु डॉक्टर अताउर रहमान हुजे माहिर साइंसदान बि आहे इन खां अलावा राणा जवाद असगर माहिर आहे करोना जे हवाले सां डॉक्टर जावेद अकरम जेको आहे सो हेल्थ ऑफिशनिस्ट
यूनिवर्सिटी साइंस जो लाहौर जो सो वी सी है उन्हें मुताबिक तो इन सा कुछ को टीहों ढी टेस्टिंग अमल तीं तीं करोना जो केसिस जाहिर थींदा पर लॉकडाउन मुकमल जैसे लॉकडाउन न किया वो माना उन माहिरीन जो तो यो चवण है तो लॉकडाउन माना वो जो कर्फ्यू में लॉकडाउन हो उन तहत ही अमल दरामद थी सके तो इनको बो को हल को पर हुकूमत अना ती इन तरफ न वही रही है हुकूमत नरम लॉकडाउन माना तो न लॉकडाउन छो तो अज जो सो इस्लामाबाद में अड़ी मार्केट दिखी जो एक टन महीने का मुकम्मल बंद हुई अज उ खुली चुकन तो इन के बावजूद जो सो नरम लॉकडाउन हुकूमत तरफ नरमी तो इन लॉकडाउन से मुख्य नो लगे तो असर पे माहरीन जो भी चवण है तो इन से को फर्क को पव नरम लॉकडाउन से सख्तू कर अच्छा माशूक सिंध सरकार पारा हर जुमे ते 12 बजे का 3 बजे तई मुकम्मल लॉकडाउन किया वो सख्त लॉकडाउन किया वो जैसे त वफाकी सरकार या कौमी राबता कमेटी में अज यो फैसलो है त जुमे के ढी भी कारोबार खुलल रह तो इन हवाले से का वाजिश सामू अची सही है जी मुल्क बुधाए तो वफाक हुकूमत सिर्फ छंछर आचर का फैसलो छंछर आचर मार्केटू बंद होंद आचर तो हुआ ही जो मार्केटू आचर मोकल होंगी तो वही मार्केटू वन शहर में तो हुई मार्केटू न खुलने बराबर होंगे मूँ संडे पे घर जो शाम के टाइम निकलन तो शाम जो हुआ ही दुकान बंद थी हाँ मूँ निकलना को पर सिंध मूँ तुरू शुरू में इन गाल जिक्र किया तो करोना से सियासत थी रही है सिंध हुकूमत चवे थी लॉकडाउन थे वफाक तो लॉकडाउन न थे और बिया सूबा भी चाहे लॉकडाउन थे पर बिया सूबा वजीर इमरान खान सामू ना गल सकन छो तो उन बलोचिस्तान में इतिहादी हुकूमत है बस सूबे में वफाक की पी हुकूमत है इन करे वो सूबा ना गल सकन तो इन करो ढीों जो माहिरीन ये चवण है तो टेस्टिंग जो जी अमल वो तीन करोना जो वा अल्लाह रहम कर ईद का पैरिया तवान के करोना के हवाले से एतरा मूँ जान की बाजी को रहा पर हाँ तो कुछ ढीन में ही मूँ केतरी ईद का जान की बाजी हारे चुका करोना के इशू से वो मू करोना के नॉर्मल वी रहा तो पर हाँ आम मूँ जो करोना सोशल मीडिया की जिन जिन मूँ जान की बाजी हारी है उनके पैगाम या उनके लवाइकिन या उनके मुतासिर शख्सियत के खानदान है उनके वीडियो पैगाम खो हाँ आम मूँ बीजेपी वाकई करोना है हाँ करोना ख्याल कर पर वफाकी हुकूमत इनके लाइट वी रही है वफाकी हुकूमत इन नरमी कर रही है अज अलग यो हो तो मुकम्मल लॉकडाउन थी सके तो कमी रात में इजलास घुराया पे वे जो कल मुलतवी कर अज घुरायों तो अज के वा फैसला इन में पर कुछ भी को रूटीन इजलास माना मुख्य तो लगो तो जो नरमी कई वही है जुमे दुकानू खुल हों सिंध हुकूमत चे थी दुकान बंद हों इन कर सिंध हुकूमत वफाक हुकूमत आमू सामू अची है कारोबारी मूँ कारोबार तफसीली तौर से आगाह नाजरीन कोरोना वायरस संजीदा मसलो है आलमी वबा है लखे मानू अजल जो शिकार थी चुका हैं जैसे पा पाकिस्तान की गाल क्यों तो 73,000 का मानू इन वबा के मोड़े रहा 1545 का मानू वबा विघे फौत थी चुका हैं जी जी टेस्टिंग जो अमल वधाय वे तो तीं तीं केसिस भी अचन था एहतियाती तदबीरों से सख्ती से अमल करण घुर्ज वफाक सूबाई हुकूमत के घुर्ज तिबी माहिर उन्होंने सलाह से उन्होंने मशवरे से जो कदम खड़े जो गुजरल जो ही वक्त है जो ही मुख्तसर वक्त है त इन में असांके घुर्जे त सियासी जेका मुखालफत है उनके पासे ते रखूं प्रोग्राम जारी है वठूं था नंढड़ी साही जिनासरीन भलीकार चवंदासीं हाँ जिक्र कंदासीं त जाली डोमिसाइल्स खिलाफ़ सिंध में कमेटी जुड़ी है जेका कार्रवाई करे रही है लाड़काने घोटकी कोटली जामशोर में कार्रवाई कई छंडछाण कई पी वे जैसे त इो जो मामलो है समाजी राबतन की वेबसाइट से मुहिम हलई वही उन सिंध सरकार चीफ सेक्रेटरी उनको नोटिस वरतो कमेटी जुड़ी है कम थी रो है एक ढीह में जैसे पा समाजी सुजागी की गाल क्यों तो एक ढीह में 11 लख मानुन ट्वीट ते ट्रेंड हलायो यो एक मस्बत शे आहे मस्बत गाल आहे त आवाम पांजा मसाला पान निर्वार करे पियो जीडीए पारा एमपीए नुसरत सर अब्बासी साहिबा जेके बिया जीडीए जा एमपीए हैं उहे सिंध असेंबली में रिथ पिण जमा कराइण वञन पिया उनजो ड्राफ्ट तैयार थी वियो आहे उहा रिथ बि सुभाणे जमा कराई वेंदी इन हवाले सां असां राबितो कयो आहे जीडीए एमपीए हैं नुसरत सर अब्बासी साहिबा असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा जी वालेकुम सलाम आदाब नुसरत साहिबा पैरियां तो तुम इन मामले के किए पे ऐसो उन यो बुझाजो रिथ जमा कराण वो पाया तो उनमें तुम कड़ा मुतालबा शामिल कया
वरी महरबानी सबनें ठाग में तां के जस तहां बे पांजो वक प्या अदा कयो एकड़ो सिंध जुरंदर सिंध जाओ इन के महसूस कयूं त इहो बि एॾो अहम इशू आहे जंहिंजे करे प्रोग्राम करणो खपे इन टॉपिक ते. ऐं जीअं तव्हां पंहिंजे इंट्रो में ॿुधायो त माशाला 12 लख खां वधीक माण्हुनि सिंध वासियुनि पंहिंजो मैसेज जेको आहे सोशल मीडिया ते ॾेई छॾियो. पंहिंजो जेको उन्हनि जो ग्रीवेंसिस हो जेका तकलीफ़ हुई उहा उन्हनि ॿुधाई या यूनिटी या जेका जदोजहदी इन खे सलाम थी पेश कयां. सिंध वासियुनि पंहिंजो फर्ज़ अदा कयो उन खे ॾिसंदे हाणे असांजो कमु आहे लेजिस्लेटर्स जो त असां पंहिंजो कमु कीअं था कयूं कानून साज़ी था कयूं असेंबली जे फ्लोर ते इनखे कीअं था खणूं इन जे सिलसिले में तयारी शुरू आहे. ड्राफ्ट असांजो तयारु थिए पियो मिली जुली छो जो इहो मां ॿुधाइणु चाहियां थी त असेंबली जो जेको बिज़नेस आहे उन में करारदाद जेका हूंदी आहे उहा इंतिहाई अहम बिज़नेस हूंदो आहे. उन जी इंतिहाई अहमियत हूंदी आहे. उन करारदाद जे हवाले सां इहो बि मां पंहिंजे भाइरनि खे भेनरुनि खे पंहिंजे सिंध वासियुनि खे ॿुधाइणु पई चाहियां त मां जेका मैसेज रखियो सोशल मीडिया ते उन में जेको मां रखियो त असां जमा कराइणु पिया वञूं ऐं का सलाह ॾिनी वञे उन में बे इंतिहा सजेशन्स आयूं आहिनि पर माण्हुनि लाज़मी आहे सिंध जा ॿिया अनेक इशूज़ बि उन सां कंसर्न करे छॾियनि त इहो बि हुजे ईअं बि हुजे धारिया या NFC या ॿियूं इहे सभु शयूं पंहिंजी जाइ ते इलाही अहमियत रखंदड़ आहिनि पर छो जो करारदाद जो तरीक़ेकार इहो हूंदो आहे त उन में हिकिड़े ई टॉपिक ते ही उहा करारदाद जमा कराए वञी सघिजे थी. जेकॾहिं हिकिड़े मौज़ू खां वधीक 3-4 मौज़ू थींदा त उहा करारदाद जेका आहे उहा कैंसिल कई वेंदी आहे उहा असेंबली जे बिज़नेस में न खई वेंदी. सो असां इन में टॉपिक सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ जाली डोमिसाइल ऐं उन जे मथां सॼा जेके बि असांजा पॉइंट्स आहिनि ग्रीवेंसिस उहे असां उन करारदाद में विझंदासीं. अच्छा नौसर साहिबा उहे कहिड़ा आहिनि जीअं तव्हां ॿुधायो त ड्राफ्ट तयारु थी चुको आहे त ड्राफ्ट जो मतन छा आहे ऐं उन में जाली डोमिसाइल जे हवाले सां बिल्कुलु तव्हां सही था चओ त को हिकिड़ो ई टॉपिक हुजणु घुरिजे को हिकिड़ो ई जेको आहे मसइलो अवामी मसइलो तव्हां उथारियो आहे त उन में कहिड़ा पॉइंट्स आहिनि कहिड़ियूं पॉइंट्स आहिनि ऐं कहिड़ा मुतालबा रखिया विया आहिनि तव्हांजे पारां रिथ में. अदा ॾिसो जीअं हाणे सॼा सिंध सूबो ॼाणे थो ऐं सभिनीनि खे ख़बर आहे त जेके जाली डोमिसाइल ठहिया उन ते नौकरियूं वरितियूं वयूं ऐं बाक़ाइदा सालनि ताईं इंजॉय कयो वियो ॿाहिरां सूबनि मां अची हिते रही ऐं रहण खां पोइ बाक़ाइदा जेको PRC ठाहिरायो या पंहिंजे पाण खे रेजिडेंट ॾेखारियो या 6 महीना 8 महीना साल रही जेको असांजो कानून जेको चए थो उनखे उनजो फ़ाइदो वठी अची हिते रही ऐं असांजे सिंध वासी जेके हक़ीक़त हितां जा जाया जंहिंजा बुज़ुर्ग हिते दफ़न जिन्हनि पंहिंजी ज़िंदगी हिते विञाए छॾी उन्हनि जा ॿार रुलनि पिया था खणी खणी डिग्रियूं हुनखे इलाज हुनखे ख़ुदा जो वास्तो हुनखे वास्ता ॾेई पंहिंजी नौकरीअ जे लाइ इलाज मिंथियूं कंदा था वञनि हुननि खे उहो नौकरियूं नथियूं मिलनि. माण्हू पंहिंजा एकड़ ज़मीनूं विकिणी पंहिंजी जायदादूं विकिणी पंहिंजे बचनि खे पढ़ाइनि पंहिंजी नियाणियुनि खे पढ़ाइनि वॾे वॾा जेके हिकिड़ी शइ पाण वाजिबु कंदा हलूं त मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा तासुर बि थियनि पिया त असांजी कंहिं बि सूबे जे माण्हूअ सां का नफ़रत को तासुब न आहे पर जेको बि सूबो आहे उहो छो न सिंध हुजे बलोचिस्तान हुजे पंजाब हुजे या केपी हुजे पर जेको उतां जो मक़ामी माण्हू आहे पहिरियों उनजो नौकरियुनि ते तालीम ते पहिरियों उनजो हक़ आहे. बिल्कुलु तव्हां सही बिल्कुलु सही मुंहिंजे दिलि वटां ॻाल्हि कई इहो ई असांजो बि अॻिते मौक़ुफ़ु रहंदो त ख़ुदा न ख़ास्ता असां कोई जेका यूनिट असांजो फेडरल आहे उन जा 4 जेके इहे सूबा आहिनि असां ख़ुदा न ख़ास्ता इन में पाण में. अच्छा अच्छा रिथ में नुसरत साहिबा तव्हां कहिड़ियूं शयूं ॾिनियूं आहिनि त रिथ में मां तव्हांखे ॿुधायां. हिकु असां इहो चयो त जेके बि फेक डोमिसाइल्स आहिनि इन्हनि खे अॻिमें त इहे ख़तमु कया वञनि कैंसिल कया वञनि ऐं जेके जिन्हनि जेके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन खे ठाहिण में इन खे फैसिलिटेट करण में रहिया उन्हनि जे लाइ असां हिकिड़ो सज़ा जे हिसाब सां उहा तजवीज़ था कयूं त उहे उन्हनि खे उहा सज़ा ॾिनी वञे. उन खां पोइ इहो असां ज़रूरु विधो आहे जेका कामेटी ठाही वई आहे उन कामेटी ते असांखे एतमाद कोन्हे. असां चाहियूं था त उन कामेटी में असां जेका करारदाद में इहा शइ विझंदासीं या विधी आहे त उन कामेटी में असेंबली जा जेके 2 मेंबर्स ऑपोज़िशन 2 मेंबर्स ट्रेज़री जा हुजनि ताकि उन कमेटी जे मथां सिंध जे माण्हुनि जो बि एतमाद अञा वधीक वधे ऐं असांजा मेंबर जी जेका साइट हूंदी आई साइट हूंदो उन ते जेका ट्रांसपेरेंसी उनखे बहितर बणाइण जी जेका हिकु शइ आहे जेका चाहियूं था असां सभु उहा उन में अञा बहितरी थींदी छो असां मेंबर जेके बि हूंदा उहा 2 ट्रेजरी जा या ऑपोज़िशन जा
उन कमेटी में अच्छा तमाम जी अपोजिशन जे केडिन पार्टिन सा इन मामले ते हिमायत हासिल कई आ है राबता जरूर तमा कया हुंदा त अपोजिशन जे केडी पार्टी वान जन तमा सा अरे हन मल त असा जीडी फिलहाल उन के जमा पा करायो असेंबली जे में सुभाने सेक्रेटरी में जदे वो जमा पेश कयो विंदो असेंबली जे फ्लोर ते सही उन्हें का पो असा बिल्कुल तमाम उन पार्टीज जेके भी पार्टियां हन अपोजिशन बशमूल ट्रेजरी बेंचेस उन्हें सभी जहाँ कॉपी भी शेयर कंदे रेजोल्यूशन की सहकार वे जो सिग्नेचर अहमियत रख जो अच्छा नुसरत साहिबा तुम इन रिथ का यो इरादो रखो था तो कानून साजी के हवाले छो जो कानून साजी इन मामले से तमाम घणो जरूरी है तो कानून साजी के हवाले से प्राइवेट बिल या कें स्टैंडिंग कमेटी में को बिल जमा कराने की का तुम्हारी का प्लैनिंग है अदा यही शे असा चाहूं था तो ये करारदाद जेका है कि असेंबली में काई भी करारदाद पास थी आ जी असा के खबर आ तक पाकिस्तान ठहण जी करारदाद भी जमा थी केडी अहमियत आ इने जो मतलब आ असेंबली में काई करारदाद पास थन केडो अहमियत हुंदी आ उन डॉक्यूमेंट जी तो असा चाहूं था करारदाद पास थी वने बहस भी थे सजेशंस भी अचन सजो हॉल इने ते बहस करे उन्हें का पो यो पास कयो वने ड्यूरिंग डिस्कशन बेशक अमेंडमेंट्स इने में कोई भी आन चाहे पांजे तरफा वो भी आने जैसे करारदाद पास की वे उन बो जो पासो लेजिस्लेशन जो करारदाद उन्हें कानून साजी के सपोर्ट कंदी उन्हें जो कानून साजी के वजनाए तो करे छी तो करारदाद पास की वे करारदाद भी उन्हें कानून साजी के हवाले से सपोर्ट कंदी और वेही असं चाहिंदासीं ड्यूरिंग करारदाद बहस के दौरान जहाँ सजेशन भी असं रखूं तो भाई हाने इन असेंबली में कमेटी भी स्पीकर जोड़े जेका कमेटी बिन्हीं पार्टिन अपोजिशन और ट्रेजरी तरफा मेंबर्स के मुश्तमिल हुए जेका उन्हें कानून से जो असा कानून ठाण वनूँ उन्हें लाए वेहे या उन्हें बहस से उन्हें बाकायदा सैर हासिल पा में डिस्कशन थे कानून ठे आईंदा के लिए अस न हो जाऊँ असा बच्चा असा बच्चन जहा बच्चा सिंध जहा जेके भी हैं उन्हें लिए को मुश्किल पेश न थे और वो सुकून से सिंध में पांजी जिंदगी गुजारन है पांजे मुस्तकबिल के पांजो ब्राइट दिसन होते सिंध अच्छा नुसरत साहिबा जाली डोमिसाइल्स वारो तो बिल्कुल मामलो जो है वो गंभीर है पर एकड़ो इते भी एकड़ो सवाल है तो सिंध सरकार पारा जेका दाखिलाउन जी जेका दाखिलाऊं दिनी वेंदियूं आहिनि यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में या जेके या नौकरियुनि जे हवाले सां जेकॾहिं को शर्त रखियो वेंदो आहे त उहो पी आर सी जी जॻहि ते डोमिसाइल जो छो रखियो वेंदो आहे पी आर सी जेको आहे उहो परमनेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आहे फॉर्म डी आहे उहो ई नौकरीअ जे लाइ शर्त रखियो वेंदो आहे पर अॼुकल्ह डोमिसाइल जो शर्त रखियो वेंदो आहे त डोमिसाइल कंहिं बि ज़िले जो हुजे अदा इहो इंतिहाई वैलिड पॉइंट ऐं मां चाहींदमि त असां पंहिंजे रेज़ोल्यूशन में ॾिसूं इन ते वधीक इन मसला थी वेंदा त असांजो रेज़ोल्यूशन जेको आहे खयो ई न वेंदो इन करे असां चऊं था सेपरेट इन शइ खे ॾिसूं हाणे मूंखे ॿुधायो त जॾहिं पी आर सी आहे पी आर सी त हिकिड़ो उहा ई शइ आहे न परमनेंट तव्हां हितां जा आहियो 20 साल थी विया आहिनि तव्हां रहो था तव्हांजा माउ पीउ तव्हांजा अबा ॾाॾा हितां जा असां उनखे ॾिसी पर इहा ई शइ आहे इन डोमिसाइल जो फ़ाइदो खणंदड़ असांजा काफ़ी सियासतदान आहिनि जेके ॿियनि सूबनि यानी जीअं जेकॾहिं असां सेनेट खणूं सेनेट में चारि सूबनि जी नुमाइंदगी आहे हाणे उहो छा था कनि त जेकॾहिं पंजाब जो आहे त हितां जो डोमिसाइल ठाराए पोइ वरी हितां उहो पंहिंजो पाण ज़ाहिर करे तव्हां वोट वठी वञी सेनेट में वेहे थो पर वरी हितां जी उहा नुमाइंदगी नथो करे यानी तव्हां वोट हितां जो वठी तव्हांजे माण्हुनि खां या सूबनि जे मेंबरनि खां वोट वठी फितरी तौर ते उन जो को लागापो नथो रहे उन जे करे शायदि लॻे त असां वटि हाणे ॾिसो हिकिड़े इशू जेको असांजे सिंध वासियुनि असांजे भाइरनि बुज़ुर्गनि जेके बि हिन में शामिल आहे जस जे उन्हनि खे उन्हनि इहो हिकिड़ी सुजागी ॾेई छॾी हिकिड़ी रोशनी अची वई आहे अच्छा नुसरत साहिबा अक्सर ॾिठो वञे पियो अॼुकल्ह छा हाणे पाण हिन शइ खे मञूं त ट्रेंड चेंज थी वियो आहे माज़ीअ में ईअं थींदो हो त सियासी अॻवान जेके आहिनि उहे मामला अवामी इशूज़ जेके आहिनि उहे ऐवाननि ताईं खणी ईंदा हुआ उहे फोरम्स ते खणी ईंदा हुआ हाणे जेको सिंध जो नौजवान आहे सिंध जो आम माण्हू आहे उहो पंहिंजो मसालो पाण निवार करण जे लाइ अॻिते वधे पियो अदा बिल्कुलु तव्हां सही था चओ त ॾिसो सोशल मीडिया हिकिड़ी सपोर्ट आहे सोशल जेको आहे उहो उन ते कोई बि इशू अची थो वञे ॼण त उहो माण्हुनि जे लाइ या हुकूमत धुरनि जे लाइ हिकिड़ी इंसल्ट हिकिड़ी बेज़ती थी फील थिए उन्हनि खे महसूसु थो थिए त इहो जेको इशू आहे इहो एॾो माण्हुनि जे हुन में थियो आहे ऐं माण्हू बाक़ाइदा सोशल मीडिया जे ज़रिए इहो मैसेज था ॾियनि त जेकॾहिं इहो मसलो हल न करायव
त असां वॾे पैमाने ते तहरीक हलाईंदासीं, जदोजहद कंदासीं, ॿाहिरि निकरंदासीं। इहा इहो थ्रेट अची थो वञे जंहिंजे करे पोइ हाणे ॾिठो आहे त इहो एॾो वॾो थियो त उन्हनि कमेटी ठाहे छॾी। सो इन खे ॾिसंदे, इन्हनि तमामु शयुनि खे ॾिसंदे, ॾिसो सोशल मीडिया ज़रियो त आहे मैसेज पुॼाइण जो, मैसेज पुॼाइण जो, हिकिड़ो मैसेज ॾियण जो ऐं एॾी वॾी तइदाद में अचण जो, पर उन जो जेको अमल करण जो, यानी जेको डॉक्यूमेंट्री जेको हिकिड़ो कानून ठहे या उनजे मथां को बहस थिए या उहो फॉरम आहे ऐवान असेंबलियूं। हाणे इहो तरीक़ो इहो थी वेंदो त माण्हू सुजाॻनि, असां मेंबरनि खे बि सुजाॻ था कनि, यानी उहो ठीकु आहे। वॾी महिरबानी, उमेद कयूं था नुसरत साहिबा जी, नुसरत साहिबा उमेद कयूं था त तव्हां पंहिंजो किरदारु भरपूर नमूने सां अदा कंदो। वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, उमेद कयूं था त सिंध सरकार ऐं मुख़ालिफ़ ज़रूरु गॾिजी वेही इन मसइले ते कानून साज़ी कंदी ऐं वफ़ाक सां राबितो कयो वेंदो ऐं हीउ जेको अवामी इशू आहे इन हवाले सां का बहितर नतीजा निकिरंदा ऐं जेको अवाम आहे सिंध जो अवाम सुजाॻ आहे, बाशऊर अवाम आहे, जेको पंहिंजे मसइलनि खे पाण निर्वार करण जे लाइ अॻिते वधे थो ऐं उमेद कयूं था त इहो जेको मामिलो आहे इहो बहितर नमूने सां हल थींदो ऐं कानून साज़ी बि थींदी। प्रोग्राम जारी आहे, वठूं था नंढड़ी साई, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे ज़िक्र कयूं त 7000 LHVs आहिनि पूरे सूबे जूं जिन खे सिंध सरकार पारां बरतरफ़ कयो वियो आहे ऐं उन्हनि एहतजाज कयो आहे। उन में पोलियो वर्कर्स बि शामिलु आहिनि। पोलियो मुहिम हिन वक़्तु कोरोना वायरस जे करे रुकियल आहे, पर छा उहा उनजी हाणे ज़रूरत नाहे ऐं LHVs खे कहिड़ो जवाबु ॾियणु हटायो वियो आहे? उन्हनि एहतजाज कयो आहे, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि, इन वाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं। कराची मां आवाज़ टीवी जो रिपोर्टर आहे नजीब नायच, असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलामु अलैकुम नजीब। नजीब, छा मामिलो हुयो? LHVs जेके आहिनि उहे 7000 LHVs आहिनि जिन खे नौकिरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे, कहिड़ो जवाबु ॼाणायो वियो आहे उन्हनि खे हटाइण जो? अॼु उन्हनि एहतजाज कयो आहे। जी बिल्कुलु अलीज़ा, अॼु उन्हनि प्रेस क्लब ॾाढो वॾी तइदाद हुई लेडीज़ वर्कर्स जी, जिन्हनि एहतजाज कयो ऐं सुबुह सां ई एहतजाज जेको आहे कराची प्रेस क्लब ॾाढो शुरू थी वियो। उते जेके लेडी वर्कर्स हेल्थ वर्कर्स मौजूदु हुयूं, उनजो चवणो हो त असांखे बिना कंहिं जवाबु, बिना को नोटिस या अहिड़ो को शोकाज ॾियण सवाइ जेको आहे असांखे नौकिरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे, ॿुधायो वियो आहे त तव्हां जेको आहे ड्यूटियुनि ते हाणे न आहियो। तंहिं ते हू जेको आहे उन्हनि एहतजाज कयो। 7000 तइदाद ॿुधायो पियो वञे त मुख़्तलिफ़ ज़िलनि सां तालुक रखे थो जेको लेडी हेल्थ वर्कर्स जो, उन्हनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे सिहत खाते पारां ऐं इन्हनि ते उन्हनि जो एहतजाज हुयो। वॾी तइदाद में औरतूं जॾहिं इते मौजूदु हुयूं त उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो त हू वज़ीर हाउस या गवर्नर हाउस तरफ़ वेंदा ऐं जॾहिं इहो ऐलान थियो त हू कुझु देरि में निकिरंदा उतां कराची प्रेस क्लब खां पैदल मार्च कंदा, त पुलिस जो वॾो तइदादु जेको आहे उहे जेको आहे प्रेस क्लब वेझो जेको आहे अची पहुतो ऐं वॾा अटाला पुलिस जा उते अची पहुता। जंहिं बाद जेको लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स उन्हनि वञणु शुरू कयो त पुलिस सां छिकताण थी ऐं लेडीज़ पुलिस बि उते मौजूदु हुई जेके जेको आहे उते उन्हनि खे रोकींदा रहिया ऐं काफ़ी टाइम जेको आहे इहो सिलसिलो हलंदो रहियो। उन बाद असिस्टेंट कमिश्नर साउथ जेको आहे आसिफ़ चांडियो उते पहुतो, उन जेको आहे चयो त तव्हां जूं असां हेल्थ डिपार्टमेंट जे आफ़िसरनि सां ॻाल्हि ॿोल करायूं था ऐं सॼो मामिलो जेको आहे ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कयूं था। तव्हां जेको आहे प्रेस वज़ीर हाउस या गवर्नर हाउस ॾांहुं न वञो। जंहिं बाद जेको आहे उते ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जेको आहे शुरू थी वियो ऐं हेल्थ डिपार्टमेंट जे आला आफ़िसरनि सां उन्हनि जो राब्तो करायो वियो ऐं राब्ते बाद जेको आहे जॾहिं उन्हनि खे ख़ातिरी कराई वई त तव्हांजो मसिलो जेको आहे हल कयो वेंदो ऐं 10 जून ताईं जेको आहे तव्हांखे रिज़ल्ट ॾिनो वेंदो, तव्हांखे बहाल कयो वञे थो या कहिड़ी पॉलिसी आहे। नजीब, कहिड़ो कारण ॼाणायो वियो आहे? जीअं तव्हां पहिरियां ॿुधायो त उन्हनि लेडी हेल्थ वर्कर्स खे ख़बर नाहे, त छा उन्हनि खे ज़ुबानी तौर ते इहो हुकुम ॾिनो वियो त तव्हां हाणे नौकिरियुनि ते न आहियो ऐं जेके हेल्थ जा जेके अॻवान उन्हनि सां ॻाल्हाइण जे लाइ आया, एडिशनल सेक्रेटरी उन्हनि सां ॻाल्हाइण जे लाइ आयो, त छा उन बि को कारण न ॿुधायो? ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे हटायो वियो आहे त उनजो जवाबु छा आहे? ऐं जेकॾहिं उनखे ॿीहर रखियो वेंदो त उनजो छा कहिड़ो जवाबु आहे जो उन्हनि खे हटायो वियो आहे? जी असांखे जेकी इतलाह हींअर ताईं मिलिया आहिनि त सिहत खाते में, छाकाणि त कोरोना जे हवाले सां जेको
सिलसिलो शुरू थी वो है उनमें लेडी हेल्थ वर्कर है खास तौर जो कॉन्ट्रेक्ट जो पोलियो के हवा से कम कन पे उन हाँ फिलहाल हिंसर तीन उनको कम ना जो सेहत खातो चाहे पो तो यह बजट जो है वो कोरोना के हवा से जो है कम आई वे जो है पोलियो वर्कर्स जैसे माहौल बेहतर थे कोरोना के हवा से पोलियो जो कम शुरू थो तो बीहर जो है उनके रखो वो इन हवा से जो है सेहत खाते असके इतला मिले तो फैसलो कर पर जैसे ही एहतजाज थो उन बाद जैसे असिस्टेंट कमिश्नर पारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से राबो कराया वो लेडी हेल्थ वर्कर्स के अगवाणन जो तो वफद जो है सेहत खाते लेडी हेल्थ वर्कर्स जो वो उन्हें उतने गाल जैं बाद यो फैसलो थो तो 10 जून तीन जो है ये समूरो मामलो जो है इनको फैसलो किया तो आया उनके बहाल किया वे तो या अच्छा 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 नजीब जी तुम बुधाओं जरिए का यह खबर अस नाजरीन से शेयर कई है तो इतलाह यहन तो उन्हें तई पोलियो मुहिम या LHVs जो कम ना है तो तेस तई उन्होंने बरतरफ किया वे तो एक पास सिंध सरकार यो ऑर्डिनेंस आंदो है तो को भी इदारो खानगी हो सरकारी हो मू कॉन्ट्रैक्ट जो कें सरकारी इदारे में है तो उनके भी बरतरफ न किया वो उन पूरी पगार दिनी वी तो हि तो सिंध सरकार पांजे ही ऑर्डिनेंस की जो है भनकड़ी कर रही है। जी बिल्कुल अड़ो ही है बिना जवाब अड़न डी में जैसे कोरोना की सूरत हाल है मान जो रोजगार जहाँ बया जरिया उ भी ना मू जो इन माहौल में किथे भी एडजस्ट नी सकता उन डी में उनके बरतरफ करण यकीन जो है जो है तशवीशवारो अमल है हाँ जो है सिंध गवर्नमेंट पारा इन हवा से जैसे फैसलो किया एतजाज थो उन बाद जो है यो फैसलो सामू आया तो पैं जुलाई तीन असके इतला मिला तो इन बहाल वो एक दफो बीहर जो है उन पगारू शुरू क्यों वो इन तहत जो है एहतजाज लेडी हेल्थ वर्कर पारा इन फैसले तहत जो है खत्म किया वो ठीक है। वही मेहरबानी नजीब इन वाले से तफसीली तौर से गाल बोल कर जी नाजरीन जिक्र क्यों पा तो 7000 LHVs सारी सिंध जो जिनके बिना जवाज नौकरियों का बरतरफ किया है असा राबो किया है LHV अगवाण हैं रिफत जबीन साहबा अस लाइन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत साहबा। अस्सलाम वालेकुम रिफत साहबा। वालेकुम अस्सलाम। रिफत साहबा पहले तो हमें ये बताएं कि क्या जवाब दिया गया है कि 7000 तकरीबन LHVs हैं जिनको बरतरफ किया गया है। सर सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि 7000 नहीं 11000 के करीब हमारे वर्कर्स हैं जिसमें हमारे यूसी लेवल स्टाफ भी हैं और एरिया सुपरवाइजर्स भी हैं और CHWs भी हैं जो लगभग 11000 बन रहे हैं। इनको मई तक के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनको स्किप कर दिया गया है जॉब से। जवाब ये दिया गया है कि हमें जो है वो फंड्स नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है फंड्स नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको सैलरीज नहीं पे कर सकते इसलिए हमें जो है वो जॉब से हटा दिया गया है। अच्छा तो आपकी बात हुई है आपने आज एहतजाज किया था एहतजाज के बाद जो है आपकी बातचीत हुई है एडिशनल सेक्रेटरी से आपकी बात हुई उसमें क्या तय पाया गया। जी हमारी बात हुई है ADC1 जुनेद साहब थे और हमारे डॉक्टर अहमद शेख साहब थे हमारे डॉक्टर जी उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी वो थे शौकत डॉक्टर शौकत साहब थे इन सबसे हमारी मीटिंग हुई है और डॉक्टर अहमद शेख साहब ने हमें ये कहा है कि जुलाई के मंथ से जो दोबारा हम SMT स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इन्हीं वर्कर्स की रीहायरिंग होगी तो और सेकेंडली इसके अलावा जो हमने उनसे ये मुतालबा रखा था कि जुलाई की हायरिंग तो जब होगी तो होगी आप जून के महीने में हमारे वर्कर्स के लिए क्या करेंगे क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल में आपको मालूम है जॉब कहीं पे नहीं मिल रही है और जब आप लगी हुई जॉब से किसी को हटा देंगे तो वो उसके लिए जॉब ढूंढना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हम तो इसी जॉब के आश्रय पे थे हमने अपने लिए कोई सेकंड ऑप्शन तो देखा नहीं तो इस मंथ के लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जैसे बाकी फंड्स वगैरह इस वक्त लॉकडाउन के लिए इशू किए जा रहे हैं तो इस लॉकडाउन में जो जून का महीना आप हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं तो आप हमें कोई फंड ऐसा इशू करें जो हमारी जितनी भी वर्कर्स जिनको स्किप किया गया है उनको इस महीने के लिए तो कम से कम कोई रिलीफ मिले। नेक्स्ट उन्होंने जुलाई का जो कहा है तो उसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें दोबारा रीहायर करेंगे और वो सेकंड उनका प्लान ये है कि CBV से हटा के अभी SMT पे करेंगे जबकि हमारी वर्कर्स SMT करने पर राजी नहीं है।
उसकी वजह भी अच्छा, है अच्छा, कि आपकी जो बातचीत हुई है उनसे, तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ एहतजाज रोकने के लिए कोई एक बात, एक दिलासा दे दिया या कुछ ऐसा है? क्योंकि क्यों हटाया गया, क्या जवाब है, अगर फंड्स नहीं है तो एक महीने के बाद फंड्स कहाँ से आएंगे, तो ये तो एक अपनी जगह पे सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल भी उठाया गया कि जब आपके पास नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे फंड्स, तो इस महीने एक महीने आपके पास फंड्स क्यों नहीं है? लेकिन देखें, अगर वो हमें उन्होंने हमें सिर्फ एहतजाज से हटाने के लिए ऐसा किया है तो भी हम उनको ये कह के आए हैं। हमें डॉक्टर अहमद शेख साहब ने एक हफ्ते का टाइम हमसे मांगा था कि आप हमें एक हफ्ते का टाइम दें, हम आपके जून के मामले पे गौर करेंगे और इसके लिए कुछ लाए अमल तय करेंगे। तो उनको हमने 10 दिन का टाइम दिया है कि आप एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम ले लें, लेकिन हमारे इस मौके पर जरूर कोई काम होना चाहिए। अगर 10 जून तक हमारी बात ना मानी गई, हमारा एक सिंगल मुतालबा ना माना गया, तो 11 जून को इंशाल्लाह हम दोबारा से ज्यादा तादाद के साथ प्रोटेस्ट करेंगे और फिर हम शायद इनके बहकावे में ना आए अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो। अच्छा, जैसे कि सिंध कोरोना ऑर्डिनेंस भी मंजूर किया गया है जिसके तहत कोई भी किसी को बरतरफ नहीं कर सकता, नौकरी से निकाल नहीं सकता, तो ये महकमा सेहत ऐसे क्यों कर रहा है, इस सिंध को ऑर्डिनेंस को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? इस हवाले से कोई बातचीत हुई आपकी? इस हवाले से भी हमने बात की थी, हमने इनको यही कहा था कि हमारा किसी थर्ड पार्टी से कोई मुतालबा नहीं है, हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम लॉकडाउन के दौरान किसी को भी नौकरी से नहीं हटाएंगे, तो पोलियो वर्कर्स को उनकी जॉब से क्यों हटाया जा रहा है? तो इस सिलसिले में उनका कहना यह था कि जी क्योंकि हमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोलियो वर्कर्स के लिए फंड नहीं देती थी, हमें थर्ड पार्टी यूनिसेफ या WHO व्हाटएवर वो इनको फंड कर देते, तो उन्होंने फंड रोक दिए हैं। अब इस बात में किस हद तक सदाकत है, ये बात तो ये मालूम करना आप लोगों का काम है कि इन ये बात मालूम की जाए कि इस बात में किस हद तक सदाकत है। हम नहीं समझते कि हेल्थ के मामले पे कोई भी दूसरा मुल्क या कोई अच्छा 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 आपका लाए अमल क्या होगा अगर 10 दिन के बाद जो है वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, तो आपका लाए अमल क्या होगा? सर, 10 दिन के लिए जो है वो अपने इन वर्कर्स को, इन CHWs को जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया है वो हम ही जानते हैं। 10 दिन का उनको हमने प्रॉमिस करके वहां से हटाया है, अदरवाइज वो लोग वहां से आने को तैयार नहीं थी। और अगर 10 दिन के अंदर 10 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं मानी गई, तो 11 तारीख को मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी 400-500 की आवाम की, तो शायद आपको 11 तारीख को इसके दुगनी तिगनी आवाम देखने को मिले, क्योंकि हर कोई मजबूर होकर घर से निकल ठीक है। बहुत शुक्रिया रिफत जबीन साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, सिंध जो ऑर्डिनेंस है, सिंध कोरोना ऑर्डिनेंस है, उन तहत कें भी मानू के नौकरी में बरतरफ नो कर सके, सिंध गवर्नमेंट जो पाँच यो कदम है, पर बे पास वरी सेहत खाते पारा जी हाँ रिफत जबीन साहब असें अपडेट कर 11,000 सजे सूबे में LHVs पोलियो वर्कर्स मुख्तलिफ़ जो वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती थे उन्होंने बरतरफ कर छो है और उन्होंने बीहर एहतजाज का बीहर बहाल कर प्रोग्राम पाँच पुजाणी से पहुंचे तो। दींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।